नमस्कार दोस्तों, आज मैं हरियाणा प्रदेश के एक बहुत ही महान संत की जीवनी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये अद्वैत वेदांता के पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में बहुत ही बड़े विद्वान जो हैं समझे जाते हैं। अद्वैत वेदांता के इन्होंने बहुत ही अति उत्तम ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कि विचार सागर, वृत्ति प्रभाकर, युक्ति प्रकाशा और तत्व सिद्धांता। महात्मा निश्चल दास का जन्म 1791 में गांव किडहल्ली, जो कि भद्रगढ़ और खरखौदा के बीच में पड़ता है, एक दैया जाट गोत के घर में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही इनका जो रुझान था वो परमात्मा की तरफ था, और ये पढ़ाई वगैरह में बहुत ही होनहार थे। संस्कृत पढ़ने की इनकी बहुत ही तीव्र इच्छा थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि उन दिनों में संस्कृत का जो अध्ययन था वो केवल ब्राह्मणों को ही मुनासिब था। अब निश्चल दास जो है एक जाट परिवार में पैदा हुए थे, तो इनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन इनका दृढ़ निश्चय था कि मुझे संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करनी है, ताकि मैं संस्कृत के जो वेद शास्त्र और अद्वैत वेदांत आगे जो जो बड़े बड़े शास्त्र मैं उनको पढ़ पाऊँ। तो धनाना गांव के एक दूसरे साधु थे, उनके साथ मिलके ये दिल्ली में गए और वहाँ पर इन्होंने जो है अपना कुछ शुरू कर किया अध्यात्म का। ये दादू पंत के संत थे और ठाकुर देसराज ने जाट इतिहास में इनके बारे में लिखा है कि महात्मा निश्चल दास जी महात्मा तो थे ही, साथ ही वह संस्कृत के उच्च विद्वान भी थे। वे वेदांती थे। वेदांत पर की उनकी टीका बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है जब संस्कृत पढ़ने के लिए वे काशी जा रहे थे तो उन्हें बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी। वहां ब्राह्मणों के लिए शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं हैं। निश्चल दास जी का दृढ़ निश्चय था कि वे संस्कृत पढ़ें। आखिर उन्हें अपने को जाट के बजाय ब्राह्मण बताना पड़ा। उन्होंने काशी में सारे शास्त्रों का अध्ययन किया। जब संस्कृत के प्रकांड पंडित हुए तो आपने राजस्थान में अपने सिद्धांतों का प्रचार आरंभ किया। दादू पंत का राजस्थान में विशेष जोर है। बूंदी के महाराज राम सिंह जी ने महात्मा निश्चल दास को अपने यहाँ बुलाकर अपने यहाँ के विद्वानों से शास्त्रार्थ कराया, और इसमें निश्चल दास की जो थी विजय हुई। तो दादू पंत का राजस्थान में विशेष जोर है। बूंदी के महाराज राम सिंह ने महात्मा निश्चल दास जी को अपने यहाँ बुलाकर अपने यहाँ के विद्वानों से शास्त्रार्थ करा। निश्चल दास की विजय हुई। बूंदी दरबार में दिन में भी
दादू संतों के कहने से मशालें जला करती थी। महात्मा निश्चल दास जी ने उस पाखंड को हटवाया। निश्चल दास के विचारों का लोगों पर इतना जबरदस्त असर पड़ा कि आर्य समाज के उपदेशकों को उनके प्रभाव के घटाने के लिए निश्चल दास की मति जो बौरानी आदि बेढंगी कविता की रचना करनी पड़ी। उनके समकालीन लोगों ने संस्कृत का बृहस्पति कहा करते थे। ठाकुर देशराज जी ने आगे लिखा है, महात्मा निश्चल दास जी पिछले समय में ये एक प्रसिद्ध साधु हुए हैं। यह वेदांती थे, शास्त्रों की इन्होंने धूम मचा दी थी। उनका लिखा हुआ विचार चंद्रिका ग्रंथ वेदांत का अपूर्व ग्रंथ समझा जाता है। बूंदी के महाराज ने उनकी विद्वता की प्रशंसा सुनकर बूंदी बुलाया और वहां दादू पंथ के पंडितों से शास्त्र करा, जिसमें ये विजय हुए। अपने समय के ऐसे प्रकांड विद्वान थे कि लोग उन्हें बृहस्पति का अवतार कहा करते थे। जब महात्मा निश्चल दास की काशी के अंदर विद्याध्ययन पूरा हो गया तो उनके गुरु ने उनको जो है इतना योग्य समझा और बहुत ही बुद्धिमान समझा, और उन्होंने साधु निश्चल दास के सामने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। अब पहले तो साधु निश्चल दास ने इधर उधर की बातें करके बात टालने की सोची, परंतु अंत में गुरु का उद्देश्य जो है दृढ़ जान करके उन्होंने सच बताना समझा कि हे गुरुदेव, मैंने आपके सामने झूठ बोला था। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो एक जाट घराने में पैदा हुआ हूँ। तो उनके गुरु ने जो है उनको बहुत ही मतलब गुरु बहुत ही नाराज हुए और उन्होंने उनको शाप दे दिया था। तो इस प्रकार ये जो महात्मा थे, इन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे हैं उनमें अद्वैत वेदांत की जो व्याख्या की है वो आदि शंकराचार्य के बराबर समझी जाती है। आज देश विदेश की कोई भी आप लाइब्रेरी में देखेंगे उनके ये जो ग्रंथ है, वृत्ति प्रभाकर और विचार सागर, तत्व सिद्धांत, ये सब आपको मिल जाएंगे। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन देखो, दुख की बात है कि हमारे हरियाणा के जो लोग हैं वो इनके नाम तक भी नहीं जानते हैं। बहुत दुख की बात है। वो सपना चौधरी को जान लेंगे, सहवाग को जान लेंगे, विजेंद्र सिंह को जान लेंगे, हैं? अरे लेकिन इतने बड़े जो विश्व में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, और जिन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जो पूरे विश्व में जिनकी धूम मची हुई है, उनके बारे में कोई जानता भी नहीं है। चलो दोस्तों, ये जो वीडियो बनाया है मैंने आपके लिए बनाया है, और इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो पहुंचाइए कृपा करके, और मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।